नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और अब मैं मौजूद हूँ सफीदों की अनाज मंडी में। मेरे साथ मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं विक्रम राणा। जैसे कि आप सबको पता है कि गेहूँ की फसल जो है आ चुकी है, और मंडी के हाल चाल जानने के लिए हम मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके पास आए थे। बात करते हैं सर, स्वागत है सबसे पहले चैनल पर। आपका भी स्वागत है यहाँ पहुँचने पर मंडी पर। अच्छा सर, बात करी जाए सफीदों हल्के में कुल कितने जो है खरीद केंद्र है? सफीदों के हल्का तो पिल्लू खेड़ा भी हल्के में आ गया। सफीदों जो मंडी है उसके अंदर 5 खरीद केंद्र हैं जी, मुआना, सिवाना माल, आठ, एचरा कला, बिडवाड़ा। अच्छा, बात करी जाए खरीद एजेंसियों की, कौन सी खरीद एजेंसी जो है गेहूँ को खरीद? एप्पल है, FCI है, 3-4 कंपनी है जो खरीद कर रही है। अच्छा अच्छा, बात करी जाए अब तक गेहूँ जो है कितने की जो है अब तक जो है खरीदारी हो चुकी है? 75,000 समथिंग खरीदारी हो चुकी है और 2,00,000 क्विंटल अनाज मंडी में आए हुए हैं। अच्छा, बात करी जाए अगर पिछले वर्ष की मैं बात करूँ तो कितना अनाज पिछले वर्ष आया था, और अब इस वर्ष की अगर मैं बात करूं तो कितना आने की उम्मीद है? पिछली साल 9,26,000 क्विंटल लगभग आया था, अब की बार 12,00,000 समथिंग आने की वो है, क्योंकि अब की बार ज़्यादा उपज भी निकल रही है, इस करके ज़्यादा आएगा। अच्छा, बात करी जाए कुछ सूचनाएं जो विभाग द्वारा आप जो है देना चाहते हो, जैसे बात करी जाए जैसे किसान अनाज जो है मंडी में लेके आता है, आढ़तियों द्वारा किस किस प्रकार के जो है उनसे आढ़त ली जाती है या उनके पैसे काटे जाते हैं? देखो, मैं आपके माध्यम से जमींदारों को भी इस बात का पता लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जमींदारों से भी काट लेते हैं, हर वो उन्हें पे उतरा देते हैं, ये गलत होता जमींदारों के साथ। जिस प्रकार बोर्ड मुख्यालय के उससे पत्र मंगा रखे, उस पत्र में लिखा हुआ है अगर जमींदार उतरवा खुद उतारता है तो उस पर कुछ नहीं लगेगा, अगर सफाई हो रही है जींस की तो जब भी कुछ नहीं लगेगा, अगर खुद ये काम नहीं करता तो दूसरे अर्थ के थ्रू करवाता है तो उतराई 1.98 रुपये लगेगी पर कट्टा 50 किलो का जी। सफाई हाथ से 1.68 रुपये पर कट्टा 50 किलो, अगर मशीन से सफाई करानी पड़ती तो 3.17 रुपये पर कट्टा 50 किलो का लगेगा। अगर ये तीनों में से कोई सी भी नहीं होती तो जमींदार को कोई टैक्स या कोई ये कटवाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो जमींदार स्वयं मुझे मिले आके ऑफिस में, मैं उसका ये सलूशन कराऊंगा। विक्रम राणा जी का देखो आपके सामने साफ साफ कहना है, यदि जमींदार जो ट्रैली लेके आता है, गेहूँ लेके आता है या किसी भी साधन से आता है, अगर वो खुद उतारता है तो उसका कोई चार्ज आढ़ती द्वारा लिया जाता है तो वो गलत है, उसका कोई भी जो है चार्ज नहीं होता। चार्ज की बात करी जाए, उन्होंने बताया कि 1.98 रुपये उतरवाई का जो है खर्च आढ़ती ले सकता है। अगर फसल में अगर बात की जाए नमी की, नमी की वजह से कुछ जो है खरीदारी नहीं हो पा रही, क्या कुछ मामला? नमी का तो ऐसा है, 2 दिन हो गए कल से, रात से रात भी मौसम वो बारिश का हो रहा है, इस करके इसमें नमी ज़्यादा आ रही है, इस करके ये 12% की नमी खरीद सकते हैं, इस टाइम है 17-18। अगर मौसम खराब नहीं होता तो आज ये नमी दूर हो जाती और ये खरीदा जाता। बात करी जाए नमी की, किसानों से मैं अपील करना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि 12% तक जो है नमी होती है उसमें सरकार जो है खरीद कर सकती है। यदि फसल में नमी कहीं ना कहीं अगर 12% से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में जो है खरीदारी नहीं हो पाएगी। कोई संदेश किसानों को आप देना? मैं किसानों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप नमी में ना कटवाए गेहूँ, 1-2 दिन का फर्क है, 1-2 दिन के फर्क में आप इस गेहूँ को खराब करते, आप भी तंग होते, अर्थी भी तंग होते हैं और फिर ये अनाज खराब भी होता है। इस करके मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी जमींदारों से, जिन पक जाए सही पक जाए, 1-2 दिन का फर्क है तभी अपनी फसल कटाए और नमी की ना ले आए, ठीक 12% की नमी आएगी अगर सही टाइम पर सही बढ़िया फसल कटाओ। धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर जुड़े और आपने बहुत सारी जानकारियां जो किसानों के संबंधित थी वो आपने दी।
खबर को जो है लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।